कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के राज्यपाल श्री राजेंद्र अर्लेकर जी, यहाँ के कर्मठ मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी, विदेश राज्य मंत्री श्री पवित्र जी, विभिन्न देशों के एक्सलेंसीज एम्बेसडर्स, नालंदा यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर, स्टूडेंट्स, उपस्थित साथियों, मुझे तीसरे कार्यकाल की शपथ ग्रहण करने के बाद पहले 10 दिनों में ही नालंदा आने का अवसर मिला है। ये मेरा सौभाग्य तो है ही, मैं इसे भारत की विकास यात्रा के एक शुभ संकेत के रूप में देखता हूं। नालंदा ये केवल नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है, नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है, नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था, अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। साथियों, अपने प्राचीन अवशेषों के समीप नालंदा का नवजागरण, ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा बताएगा जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं वो राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं। और साथियों, नालंदा केवल भारत के ही अतीत का पुनर्जागरण नहीं है, इसमें विश्व के, एशिया के कितने ही देशों की विरासत जुड़ी हुई है। एक यूनिवर्सिटी कैंपस के इनॉग्रेशन में इतने देशों का उपस्थित होना यह अपने आप में अभूतपूर्व है। नालंदा यूनिवर्सिटी के पुनर्निर्माण में हमारे साथी देशों की भागीदारी भी रही है। मैं इस अवसर पर भारत के सभी मित्र देशों का, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मैं बिहार के लोगों को भी बधाई देता हूं। बिहार अपने गौरव को वापस लाने के लिए जिस तरह विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, नालंदा का ये कैंपस उसी की एक प्रेरणा है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि नालंदा कभी भारत की परंपरा और पहचान का जीवंत केंद्र हुआ करता था।
नालंदा का अर्थ है न अलम ददाति इति नालंदा, अर्थात जहां शिक्षा का, ज्ञान के दान का अविरल प्रवाह हो। शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर यही भारत की सोच रही है। शिक्षा सीमाओं से परे है, नफा नुकसान के नजरिए से भी परे है। शिक्षा ही हमें गढ़ती है, विचार देती है और उसे आकार देती है। प्राचीन नालंदा में बच्चों का एडमिशन, उनकी पहचान उनकी नेशनलिटी को देखकर नहीं होता था। हर देश हर वर्ग के युवा यहां आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय के इस नए कैंपस में हमें उसी प्राचीन व्यवस्था को फिर से आधुनिक रूप में मजबूती देनी है और मुझे ये देखकर खुशी है कि दुनिया के कई देशों से यहां स्टूडेंट्स आने लगे हैं। यहां नालंदा में 20 से ज्यादा देशों के स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना का कितना सुंदर प्रतीक है। साथियों, मुझे विश्वास है आने वाले समय में नालंदा यूनिवर्सिटी फिर एक बार हमारे कल्चरल एक्सचेंज का प्रमुख सेंटर बनेगी। यहां भारत और साउथ ईस्ट एशियन देशों के आर्ट वर्क के डॉक्यूमेंटेशन का काफी काम हो रहा है। यहां कॉमन आर्काइवल रिसोर्सेज सेंटर की स्थापना भी की गई है। नालंदा यूनिवर्सिटी आसियान इंडिया यूनिवर्सिटी नेटवर्क बनाने की दिशा में भी काम कर रही है। इतने कम समय में ही कई लीडिंग ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस यहां एक साथ आए हैं। एक ऐसे समय में जब 21वीं सदी को एशिया की सदी कहा जा रहा है, हमारे ये साझा प्रयास हमारी साझी प्रगति को नई ऊर्जा देंगे। साथियों, भारत में शिक्षा मानवता के लिए हमारे योगदान का एक माध्यम मानी जाती है। हम सीखते हैं ताकि अपने ज्ञान से मानवता का भला कर सके। आप देखिए, अभी 2 दिन ही के बाद ही 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे है। आज भारत में योग की सैकड़ों विधाएं मौजूद है। हमारे ऋषियों ने कितना गहन शोध इसके लिए किया होगा, लेकिन किसी ने योग पर एकाधिकार नहीं बनाया। आज पूरा विश्व योग को अपना रहा है। योग दिवस एक वैश्विक उत्सव बन गया है। हमने अपने आयुर्वेद को भी पूरे विश्व के साथ साझा किया है। आज आयुर्वेद को स्वस्थ जीवन के एक स्रोत के रूप में देखा जा रहा है। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक और उदाहरण हमारे सामने है। भारत ने सदियों तक सस्टेनेबिलिटी को एक मॉडल के रूप में जीकर दिखाया है। हम प्रगति और पर्यावरण को एक साथ लेकर चले हैं। अपने उन्हीं अनुभवों के आधार पर भारत ने विश्व को मिशन लाइफ जैसा मानवीय विजन दिया है। आज
इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे मंच सुरक्षित भविष्य की उम्मीद बन रहे हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी का यह कैंपस भी इसी भावना को आगे बढ़ाता है। ये देश का पहला ऐसा कैंपस है जो नेट जीरो एनर्जी, नेट जीरो एमिशंस, नेट जीरो वाटर एंड नेट जीरो वेस्ट मॉडल पर काम करेगा। अप्प दीपो भव के मंत्र पर चलते हुए कैंपस पूरी मानवता को नया रास्ता दिखाएगा। साथियों, जब शिक्षा का विकास होता है तो अर्थव्यवस्था और संस्कृति की जड़ें भी मजबूत होती है। हम डेवलप कंट्रीज को देखें तो ये पाएंगे वो इकोनॉमिक और कल्चरल लीडर तब बने जब वो एजुकेशनल लीडर्स हुए। आज दुनिया भर के स्टूडेंट्स और ब्राइट माइंड्स उन देशों में जाकर वहां पढ़ना चाहते हैं। कभी ऐसी स्थिति हमारे यहां नालंदा और विक्रमशिला जैसे स्थानों में हुआ करती थी। इसलिए ये केवल संयोग नहीं है कि जब भारत शिक्षा में आगे था तब उसका आर्थिक सामर्थ्य भी नई ऊंचाई पर था। यह किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए एक बेसिक रोडमैप है। इसलिए 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा भारत इसके लिए अपने एजुकेशन सेक्टर को उसका कायाकल्प कर रहा है। मेरा मिशन है कि भारत दुनिया के लिए शिक्षा और ज्ञान का केंद्र बने। मेरा मिशन है भारत की पहचान फिर से दुनिया के सबसे प्रोमिनेंट नॉलेज सेंटर के रूप में उभरे, और इसके लिए भारत आज बहुत कम उम्र से ही अपने स्टूडेंट्स को इनोवेशन की स्पिरिट से जोड़ रहा है। आज एक तरफ 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों को अटल टिंकरिंग लैब में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के एक्सपोजर का लाभ मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर चंद्रयान और गगनयान जैसे मिशन स्टूडेंट्स में साइंस के प्रति रुचि बढ़ा रहे हैं। इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत ने 1 दशक पहले स्टार्टअप इंडिया मिशन की शुरुआत की थी। तब देश में कुछ 100 ही स्टार्टअप थे, लेकिन आज भारत में 1,30,000 से ज्यादा स्टार्टअप है। पहले की तुलना में आज भारत से रिकॉर्ड पेटेंट फाइल हो रहे हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं। हमारा जोर अपने यंग इनोवेटर्स को रिसर्च और इनोवेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा मौके देने का है। इसके लिए सरकार ने 1,00,000 करोड़ रुपए का रिसर्च फंड बनाने की घोषणा भी की है। साथियों, हमारा प्रयास है भारत में दुनिया का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव और कंप्लीट स्किलिंग सिस्टम हो, भारत में दुनिया का सबसे एडवांस रिसर्च ओरिएंटेड हायर एजुकेशन सिस्टम हो। इन सारे प्रयासों के नतीजे भी दिखाई दे रहे हैं। पिछले कुछ सालों में भारतीय यूनिवर्सिटीज ने ग्लोबल रैंकिंग में पहले से काफी बेहतर परफॉर्म करना शुरू किया है। 10 साल पहले QS रैंकिंग में भारत के सिर्फ 9 शिक्षा संस्थान थे, आज इसकी संख्या बढ़कर 46 पहुंच रही है। कुछ दिन पहले ही टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग आई है। कुछ साल पहले तक इस रैंकिंग में भारत के सिर्फ 13 इंस्टीट्यूशंस थे, 13। अब इस ग्लोबल इंपैक्ट रैंकिंग में
भारत के करीब 100 शिक्षा संस्थान शामिल हुए। पिछले 10 वर्षों में औसतन भारत में हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी बनी है। भारत में हर दिन एक नई आईटीआई की स्थापना हुई है। हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब खोली गई है। भारत में हर दिन 2 नए कॉलेज बने हैं। आज देश में 23 आईआईटीज हैं। 10 साल पहले 13 आईएम्स थे, आज ये संख्या 21 है। 10 साल पहले की तुलना में आज करीब 3 गुना यानी कि 22 एम्स है। 10 साल में मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी करीब करीब 2 गुनी हो गई है। आज भारत के एजुकेशन सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने भारत के युवाओं के सपनों को नया विस्तार दिया है। भारत की यूनिवर्सिटीज ने फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ भी कोलैबोरेट करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा डीकन और वोलोंगोंग जैसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज भी भारत में अपने कैंपस खोल रही है। इन सारे प्रयासों से भारतीय छात्रों को हायर एजुकेशन के लिए भारत में ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षा संस्थान उपलब्ध हो रहे हैं। इससे हमारे मध्यम वर्ग की भी बचत भी हो रही है। साथियों, आज विदेशों में हमारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स के कैंपस खुल रहे हैं। इसी साल अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली का कैंपस खुला है। तंजानिया में भी आईआईटी मद्रास का कैंपस शुरू हो चुका है। और ग्लोबल होते भारतीय शिक्षा संस्थानों की तो ये शुरुआत है। अभी तो नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों को भी दुनिया के कोने कोने में जाना है। साथियों, आज पूरी दुनिया की दृष्टि भारत पर है, भारत के युवाओं पर है। दुनिया बुद्ध के इस देश के साथ, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती है। आप देखिए, जब भारत कहता है वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, तो विश्व उसके साथ खड़ा होता है। जब भारत कहता है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, तो विश्व उसके भविष्य की दिशा मानता है। जब भारत कहता है वन अर्थ वन हेल्थ, तो विश्व उसे सम्मान देता है, स्वीकार करता है। नालंदा की यह धरती विश्व बंधुत्व की इस भावना को नया आयाम दे सकती है। इसलिए नालंदा के विद्यार्थियों का दायित्व और ज्यादा बड़ा है। आप भारत और पूरे विश्व का भविष्य है। अमृतकाल के 25 साल भारत के युवाओं के लिए बहुत अहम है। ये 25 वर्ष नालंदा विश्वविद्यालय के हर छात्र के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण है। यहां से निकलकर आप जिस भी क्षेत्र में जाएं, आप पर अपनी यूनिवर्सिटी के मानवीय मूल्यों की मुहर दिखनी चाहिए। आपका जो लोगो है उसका संदेश हमेशा याद रखिएगा। आप लोग इसे नालंदा वे कहते हैं ना, व्यक्ति का व्यक्ति के साथ सामंजस्य, व्यक्ति का प्रकृति के साथ सामंजस्य आपके लोगों का आधार है। आप अपने शिक्षकों से सीखिए, लेकिन इसके साथ ही एक दूसरे से सीखने की भी कोशिश करिए। बी क्यूरियस, बी करेजियस एंड अबाउ ऑल बी काइंड।
अपनी नॉलेज को समाज में एक सकारात्मक बदलाव के लिए प्रयोग करिए, अपनी नॉलेज से बेहतर भविष्य का निर्माण करिए। नालंदा का गौरव, हमारे भारत का गौरव आपकी सफलता से तय होगा। मुझे विश्वास है आपके ज्ञान से पूरी मानवता को दिशा मिलेगी। मुझे विश्वास है हमारे युवा आने वाले समय में पूरे विश्व को नेतृत्व देंगे। मुझे विश्वास है नालंदा ग्लोबल कॉज का एक महत्वपूर्ण सेंटर बनेगा। इसी कामना के साथ आप सभी का मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और नीतीश जी ने सरकार की तरफ से पूरी मदद का जो आह्वान किया है उसका मैं स्वागत करता हूं। भारत सरकार भी इस विचार यात्रा को जितनी ऊर्जा दे सकता है उसमें कभी भी पीछे नहीं रहेगा। इसी एक भावना के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।